हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया के 10 सबसे अच्छे स्मार्टफोन जिनका कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है और इन कैमरे की रेटिंग भी सुपर है। आज के टाइम में जिस फोन का कैमरा बहुत अच्छा होता है तो उसी फोन को अच्छा मानते हैं। आप सभी जब नए स्मार्टफोन लेते हो तो फोन के डिवाइस, डिस्प्ले और बैटरी जैसे बाकी फीचर्स से पहले कैमरा जरूर चेक करते होगे, क्योंकि अच्छा कैमरा अब अच्छे स्मार्टफोन की पहचान बन चुका है। फ्रेंड, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आप वीडियो को पूरा देखते हैं फिर बाद में सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो दुनिया के 10 सबसे अच्छे कैमरे वाले स्मार्टफोन में से 10वें नंबर पर आता है आईफोन 11 प्रो मैक्स। प्रीमियम स्मार्टफोन कंपनी एप्पल का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन भी टॉप 10 डिवाइसेस की लिस्ट में शामिल है। 117 पॉइंट्स स्कोर करने वाले आईफोन 11 प्रो मैक्स में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। आईफोन में 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया है। डिवाइस में एप्पल का इमेज प्रोसेसर भी मिलता है, जो इसकी फोटोग्राफी से मिलने वाले फाइनल रिजल्ट को बेहतर बनाता है। इस फोन का प्राइस 1,17,100 रुपीज़ है। 9वें नंबर पर आता है Xiaomi Mi CC9 प्रीमियम एडिशन। Xiaomi के Mi CC9 स्मार्टफोन ने भी 121 पॉइंट स्कोर किए हैं और यह 5 सेंसर वाले सेटअप के साथ आता है। इस स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 12.90 मेगापिक्सल का शॉर्ट टेलीफोटो, 7.99 मेगापिक्सल का लॉन्ग टेलीफोटो और 20.11 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है और फोन में 5वें सेंसर के तौर पर माइक्रो लेंस भी दिया गया है। इस फोन का प्राइस 34,999 रुपीज़ है। 8वें नंबर पर आता है Huawei Mate 30 Pro। फोर्ड कैमरा सेटअप के साथ आने वाले Huawei Mate 30 Pro ने 121 पॉइंट स्कोर किए हैं। इस स्मार्टफोन के रियर पैनल पर गोल कैमरा मॉड्यूल में 40 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 40 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर दिया गया है। साथ ही चौथा 3D डेप्थ सेंसिंग कैमरा भी मिलता है। इस फोन का प्राइस 75,000 रुपीज़ है। 7वें नंबर पर आता है Samsung Galaxy S20 Ultra। टॉप 10 की लिस्ट में यह Samsung का अकेला फोन है और 7वीं पोजीशन पर है। 122 पॉइंट स्कोर करने वाले Samsung Galaxy S20 Ultra में कवर्ड कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 108 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, 48 मेगापिक्सल टेलीफोटो सेंसर और 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर के अलावा 3D टच सेंसर डेप्थ सेंसिंग के लिए दिया गया है। इस फोन का प्राइस 67,999 रुपीज़ है। 8वें नंबर पर आता है Honor V30 Pro। Huawei के सब ब्रांड Honor ने भी कैमरे के मामले में सबको पीछे छोड़ा है और इसके V30 Pro को 122 पॉइंट्स मिले हैं। फोन में 40 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर और 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस के द्वारा ट्रिपल कैमरा सेटअप रियर पैनल दिया गया है। ये डिवाइस PDF और लेजर ऑटो फोकस सभी कैमरे में सपोर्ट करता है। इस फोन का प्राइस 39,000 रुपीज़ है। 5वें नंबर पर आता है Huawei Mate 30 Pro 5G। टॉप 5 की लिस्ट में यह Huawei का तीसरा स्मार्टफोन है और इस डिवाइस में 123 पॉइंट स्कोर किए हैं। फोन में 40 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 40 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड सेंसर और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस रियर पैनल पर कैमरा मॉड्यूल में दिया गया है। इसमें 3D टच लेंस भी डेप्थ सेंसिंग के लिए मिलता है। इस फोन का प्राइस 75,000 रुपीज़ है। 4वें नंबर पर आता है Xiaomi Mi 10 Pro। Xiaomi के Mi 10 Pro स्मार्टफोन ने भी 124 पॉइंट स्कोर किए हैं। इस स्मार्टफोन के रियर पैनल पर 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके अलावा सेटअप में 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 12 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल सेंसर वाला डुअल टेलीफोटो लेंस भी दिया गया है। इस फोन का प्राइस 50,000 रुपीज़ है। तीसरे नंबर पर आता है ओप्पो फाइंड एक्स 2 प्रो। टॉप 10 की लिस्ट में ओप्पो फाइंड एक्स 2 प्रो ने 124 पॉइंट स्कोर करते हुए जगह बनाई है। इस स्मार्टफोन के रियर पैनल पर 48 मेगापिक्सल कवर्ड बेयर प्राइमरी सेंसर के अलावा 48 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड कैमरा और 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलता है। इस फोन का प्राइस 74,890 रुपीज़ है। दूसरे नंबर पर आता है Honor 30 Pro Plus। दूसरी पोजीशन पर Huawei का सब ब्रांड Honor अपने Honor 30 Pro Plus फोन के साथ है। 125 पॉइंट स्कोर करने वाले इस फोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस और 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर रियर पैनल पर दिया गया है। इस फोन का प्राइस 53,999 रुपीज़ है। और दोस्तों, नंबर 1 पर आता है Huawei P40 Pro। Huawei का P40 Pro सबसे ज़्यादा 128 पॉइंट स्कोर के साथ टॉप पर ए है। इस स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 40 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा और 3 गुना आर्टिकल जूम मिलता है। इस फोन में बेहतर डेप्थ सेंसिंग के लिए इसमें 3D सेंसर दिया गया है और यह 100 गुना तक डिजिटल जूम को सपोर्ट करता है। यह फोन कैमरे के मामले में सुपर है। इस फोन का प्राइस 68,040 रुपीज़ है। फ्रेंड, मुझे कमेंट में जरूर बताना आपको टॉप 10 स्मार्टफोन में कौन सा अच्छा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।